नमस्कार साथियों, प्रत्येक राजकार्मिक का महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 50% किया जा चुका है, परंतु राज्य सरकार ने जो आदेश जारी किया है वो मार्च माह में किया है, लेकिन आपको जो महंगाई भत्ता है वो जनवरी से ही दे है। ऐसी कंडीशन में आपको कुछ महीने की अंतर तालिका बनाकर अपने डीडीओ को प्रेषित करनी होगी। अंतर तालिका आपको कैसे बनानी है, यही प्रक्रिया मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखिएगा। साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर मुझे मोटिवेट अवश्य कीजिएगा। और आप इस वीडियो को मेरे अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए साथियों, जानते हैं एक्सेल प्रोग्राम के माध्यम से अंतर तालिका बनाने की प्रक्रिया। एक्सेल प्रोग्राम के माध्यम से अंतर तालिका बनाने के लिए आपको एक एक्सेल प्रोग्राम की आवश्यकता होगी। एक्सेल प्रोग्राम आपको कहां पर मिलेगा, यह जानकारी मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। पहले आप इस एक्सेल प्रोग्राम पर कार्य करना सीख लीजिए। तो जब आप एक्सेल प्रोग्राम को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ बताया गया है कि आप अपने ऑफिस का नेम एंटर कीजिए। तो आप यहां क्लिक करके अपने ऑफिस का नेम एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहां 46 से 50 में चेंजेस नहीं करना है। एचआरए के संबंध में आपको यहां बताया गया है 9%। यदि आपको 9% से अधिक एचआरए मिलता है तो आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप आइएगा नीचे की ओर। ये जो प्रोग्राम है इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप इसमें एक से अधिक साथी की जो अंतर तालिका है उसे डिजाइन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ सीरियल नंबर दिया गया है, तो आप जिस भी साथी की अंतर तालिका बनाना चाहते हैं उनका नेम आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको उनकी पोस्ट यहाँ पर एंटर करनी है। कितने महीने का आपको डीए बनाना है वो महीनों की संख्या आपको यहाँ बता देनी है। जैसे मैं 2 माह का बनाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ 2 माह लिख लिया है। उसके बाद जिस भी साथी की आप अंतर तालिका बना रहे हैं उनका बेसिक पे कितना है वो आपको यहाँ क्लिक करके एंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ जानकारी जो देनी है वो जीपीएफ और जीपीएफ 2004 की देनी है। तो आपका साथी यदि जीपीएफ 2004 का फायदा ले रहा है तो आपको यहाँ जीपीएफ 2004 सेलेक्ट करना है। और यदि हमारे जो पुराने साथी है उनके ऊपर जीपीएफ ही लागू है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ क्लिक करके जीपीएफ पर क्लिक कर लेना है। इस तरह से आपको यहाँ जीपीएफ लिखा दिखाई देगा। और जो जिन साथी के ऊपर जीपीएफ 2004 लगी हुई है उनके सामने आपको यहाँ जीपीएफ 2004 सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, इनकम टैक्स कटवाना है। जितना भी इनकम टैक्स आप कटवाना चाहते हैं वो राशि आप यहाँ दर्ज कर लीजिएगा। जिस भी साथी के आप इनकम टैक्स की कटौती करवा रहे हैं सभी के सम्मुख आपको क्या करना है, राशि दर्ज कर लेना है। फिर आपको किस माह से डीए एरियर बनाना है तो माह आपको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने सेलेक्ट बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। तो आप कहाँ से आपका जो अंतर तालिका है वो बनाना चाहते हैं वो महीना आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। बस साथियों, आपको इतना सा कार्य करना है। आपकी जो अंतर तालिका है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब आप अंतर तालिका देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर दिया गया है एरियर नेम से ऑप्शन, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, जैसे ही आप एरियर पर क्लिक करेंगे आपकी अंतर तालिका आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ आपको सीरियल नंबर दिए गए हैं। तो जो अंतर तालिका आपको यहाँ सबसे पहले बताई जा रही है, आपने सीरियल नंबर 1 पर किस साथी का नेम लिखा है उनकी अंतर तालिका आपको यहाँ बताई जा रही है, उनका नेम आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब आप दूसरे साथी की अंतर तालिका देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ संख्या चेंज कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करके संख्या चेंज करेंगे, जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और आपके सामने मैंने यहाँ 2 लिख दिया है और बाहर कहीं भी क्लिक कर लेना है तो दूसरे नंबर के साथी की अंतर तालिका आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब आप सभी एम्प्लॉय की एक साथ अंतर तालिका, मान लो आपने एक से अधिक साथियों की अंतर तालिका बनाई है और उसे देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है ऑल एम्प्लॉय रिपोर्ट नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जितने भी साथियों की अंतर तालिका आपने जो बनाई है वो आपको यहाँ डिस्प्ले कर दी जाएगी। आप चाहे तो एक साथ इनका प्रिंट भी ले सकते हैं। अब बात आती है साथियों की, जो एक्सेल प्रोग्राम पर गणना मैंने आपको अंतर तालिका की करके बताई है वो एक्सेल प्रोग्राम आपको कहाँ पर मिलेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहां मैंने आपकी सहायता है तो एक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक उपलब्ध करवाया हुआ है। इस एक्सेल प्रोग्राम को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करवाया है और व्हाट्सएप चैनल पर भी उपलब्ध करवाया है। तो आप आसानी से
अब मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके ये प्रोग्राम प्राप्त कर सकते हैं और इसकी सहायता लेकर अंतर तालिका अपनी डिजाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं साथियों, वीडियो में जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि आपकी तरह हमारे अन्य साथियों का कार्य भी आसान हो जाए। और आपको यदि मुझसे किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।